पौधे की मांग के आधार पर पोषक तत्व उपलब्ध कराने को परिशुद्ध पोषक तत्व प्रबंधन या प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। इसके लिए कई उपकरण और तकनीकें हैं, जैसे ग्रीन सीकर, स्पैड मीटर या क्लोरोफिल मीटर और न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। लेकिन इन सभी में एक बहुत ही सरल, आसान, कम लागत वाला और बहुत व्यवहार्य विकल्प है लीफ कलर चार्ट, जिसे धान, गेहूं और मक्का जैसी प्रमुख फसलों में नाइट्रोजन प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। पौधे में पत्ती का हरापन नाइट्रोजन की सांद्रता का प्रतीक है, इसलिए गहरा हरा रंग यानी नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा और हल्का हरा रंग यानी कि नाइट्रोजन की मांग। ये एक बहुत ही हैंडी यंत्र है, जिसमें हल्के हरे रंग से गहरे हरे रंग तक कई शेड्स होती हैं और हर शेड के नीचे एक अंक दिया रहता है। अब अगर धान की बात करें तो फसल लगभग जब 15 से 20 दिन की होती है, तब हम लीफ कलर चार्ट से रीडिंग लेना शुरू करते हैं और लगभग हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर पुनः इसकी रीडिंग्स ली जाती है। यदि आपका खेत बहुत बड़ा हो तो आप 4-5 भागों में उसे बांट सकते हैं और हर भाग से कम आपको 10 पत्तियों का चुनाव करना होगा, जो रोग और कीटों से मुक्त हो, और जो यंगर लीफ या जो नई पत्ती है उसका आपको चुनाव करना होता है। लीफ कलर चार्ट की रीडिंग लेने का सबसे सही समय होता है सुबह 7-8 बजे, जब धूप ना हो। और जब भी आप रीडिंग लें, आप ध्यान रखें कि प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा आपके पत्ती या पत्ती और लीफ कलर चार्ट पे ना पड़े, क्योंकि कई बार इससे मिलान में दिक्कत होती है। और कोशिश करें कि एक ही व्यक्ति सभी जगह से लीफ कलर चार्ट की रीडिंग लें, जिससे त्रुटि होने का चांसेस सबसे कम रहते हैं। पत्ती का मिलान आपको इन शेड्स के साथ करना होगा, और यदि यहाँ आपकी पत्ती का रंग है तो आपका स्कोर होगा 3.5। बासमती किस्मों की यदि हम बात करें तो 3.5 या उससे कम की रीडिंग आती है। जो आपने 10 पत्तियों का चयन किया है उसमें से 6 पत्तियां यानी 50% से ज़्यादा पत्तियां यदि 3.5 या उससे कम की शेड में मैच करती हैं, तो आपको 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में देना होगा। वहीं यदि आपकी कोई संकर किस्म है या इनब्रेड लाइन्स आप लेते हैं, तो 4 या उससे कम का अगर स्कोर है 10 में से 6 पत्तियों का, तो आपको करीब 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध कराना होगा। देखिए, इस समय पौधे पे और लीफ कलर चार्ट पे धूप नहीं आ रही। यदि धूप में लेना भी पड़े आपको रीडिंग, तो आप अपनी ही उससे उसको किसी छाया से कर लीजिए, तभी आप पत्ती का लीफ कलर चार्ट से मिलान कीजिए। और हम देख रहे हैं कि ये बासमती धान में अभी करीब 4.5 के आसपास इसकी जो लीफ है वो एकदम परफेक्ट मैच कर रही है। यहाँ पर देखिए, पत्ती गहरे रंग की है और यहाँ पर ये जो 4.5 स्कोर है, इसका मतलब अभी फसल की मांग नहीं है। ये फसल लगभग 60 दिन की है और इस समय अगर हम परंपरागत तरीके से देखें तो एक नाइट्रोजन की मांग रहती है, लेकिन लीफ कलर चार्ट के आधार पर ये अभी मांग नहीं दिखा रहा, तो हम इसके अंदर इस स्टेज पर अभी नाइट्रोजन की उपलब्धता नहीं कराएंगे। कई बार ये देखा गया है कि पत्तियां इन दोनों के बीच में कहीं मैच करती हैं, उस परिस्थिति में आप इन दोनों अंक का औसत भी कर सकते हैं। जो शोध हमने किए हैं उसमें यह पाया गया है कि यदि आपका जो परंपरागत रोपाई वाला धान है, तो उसमें आप 15 दिन के आसपास, फिर 45 दिन के आसपास और करीब 60 से 65 दिन पर लीफ कलर चार्ट की रीडिंग ज़रूर लीजिए। वहीं यदि अगर आपका DSR या धान की सीधी बुवाई का खेत है, तो आप करीब 20 से 25 दिन पर, 45 दिन के आसपास और फिर 60 से 65 दिन के आसपास लीफ कलर चार्ट की रीडिंग ज़रूर लीजिए और मांग के आधार पर आप नाइट्रोजन को उपलब्ध करा सकते हैं। यदि 60 से 65 दिन के बाद भी नाइट्रोजन की मांग दिखाई जाती है, तो आप बासमती धान में करीब 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और इनब्रेड या संकर किस्मों के लिए करीब 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा भी दे सकते हैं। जो धान गेहूं फसल चक्र में शोध हुए हैं, उनसे यह पाया गया है कि उपज में कमी के बिना लीफ कलर चार्ट आधारित नाइट्रोजन प्रबंधन से करीब 20-30% नाइट्रोजन की बचत होती है और साथ ही जो नाइट्रोजन उपयोग दक्षता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है।